हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के होने वाले टास्क स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में। दोस्तों, कल का स्मैकडाउन काफी एक्साइटिंग होगा क्योंकि कल के स्मैकडाउन में हमें कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स देखने मिल सकते हैं, लाइक रोमन रेंस का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप और क्या रोल होगा सेथ रॉलिंस का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या एलिस्टर ब्लैक आकर अटैक करते हैं रोमन रेंस को, चैलेंज करते हैं उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेस्टिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। पहले दोस्तों बात करते हैं चैलेंजर के बारे में ऑफ स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। जैसे आपको पता है कि प्रियंका बेलर ने हरा दिया था साशा बैंक्स को और वो बन गई थी हमारी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। अब रेसलमेनिया बैकलैश जो पेपर व्यू है, वहां पर हमें प्रियंका बेलर की कोई न्यू चैलेंजर देखने मिल सकती है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कल के स्मैकडाउन में क्या साशा बैंक्स आकर डायरेक्टली चैलेंज करती है प्रियंका बेलर को, या फिर कोई और होती है चैलेंज करने के लिए प्रियंका बेलर को फॉर हर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के चैलेंज के बारे में। अपोलो क्रूज ने बिगी को हरा दिया था और जीत लिया था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और उनके साथ है अब कमांडर अजीज। अब ये एक काफी पावरफुल डियो बन गया है इन द WWE स्मैकडाउन। अब ये दोनों काफी पावरफुल टीम बन चुके हैं इन स्मैकडाउन, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा बेबी फेस स्टेप अप करता है अपोलो क्रूज एंड कमांडर अजीज के सामने। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सेथ रॉलिंस एंड सिजारो के बारे में। लास्ट वीक सिजारो ने कन्फर्म किया था रोमन रेंस को, बट रोमन रेंस वहां से चले गए थे और फिर हमें जे उसो एंड सिजारो के बीच में मैच देखने मिला था जहाँ पर सेथ रॉलिंस ने आकर अटैक किया था सिजारो को और सेथ रॉलिंस ने यह कहा था कि उनके बीच में जो चैप्टर है वो खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कल सेथ रॉलिंस एंड सिजारो का कुछ ना कुछ हमें जरूर देखने मिलेगा। क्या इनकी एक मैच होती है या फिर इनकी रीमैच फिर से बुक हो जाती है बैकलैश पेपर व्यू में, ये हमें पता चलेगा कल के स्मैकडाउन में। और बात करें कि कौन चैलेंज करेगा रोमन रेंस को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू, तो रूमर्स है कि सिजारो वो बंदे हो सकते हैं। बट लास्ट वीक आपने देखा ही होगा कि सेथ रॉलिंस ने सिजारो को अटैक किया एंड इट सीम्स लाइक सिजारो एंड सेथ रॉलिंस की रीमैच जो है वो रेसलमेनिया बैकलैश में हमें देखने मिलेगी। सो रोमन रेंस का चैलेंजर कोई न्यू बंदा होना चाहिए अगर सिजारो नहीं होते हैं तो ये हो सकता है दोस्तों द रिटर्निंग एलिस्टर ब्लैक आकर अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस को और चैलेंज कर सकते हैं उन्हें फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट बैकलैश पेपर व्यू। रिपोर्ट्स ये आ रहे थे कि WWE प्लान कर रहे हैं एलिस्टर ब्लैक का ग्रैंड रिटर्न और उनके विग्नेट जो है वो शूट कर रहे हैं, और अगर एलिस्टर ब्लैक रीपैकेज होकर आते हैं वापस और आते हैं वो एज अ बेबी फेस रिटर्न, तो वो आकर अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस को और उन्हें चैलेंज कर सकते हैं फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल के स्मैकडाउन में। अगर एलिस्टर ब्लैक एंड रोमन रेंस की फ्यूड स्टार्ट होती है तो काफी मजा आएगा क्योंकि ये होगी एक फ्रेश न्यू फ्यूड और एलिस्टर ब्लैक तो रीपैकेज होकर आएंगे वापस, तो एलिस्टर ब्लैक का कैरेक्टर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए कल के स्मैकडाउन के लिए। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आप कितने एक्साइटेड है कल के स्मैकडाउन के लिए, एंड सेकेंड क्या आप देखना चाहते हैं एलिस्टर ब्लैक को एज रोमन रेंस चैलेंजर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू। सो गाइस, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।